हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आपके पास एक नया एक वीडियो लेके आई हूँ। वो है पौधा आप किस तरह से लगा सकते हो। किसका पौधा? वो है ये देखिए, आलू का पौधा यानी पटाटो के पौधा किस तरह से लगा सकते हो, इसके बारे में मैं बताऊँगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको किस तरह से उगा सकते हो घर पे ही, उसके बारे में बताऊँगी। आपके पास कोई भी मिट्टी का लिए एरिया नहीं होगा ना, तो आप छत पे या आपके गार्डन पे ये सब लगा सकते हो। तो देखिए आप किस तरह से लगाओगे, मैं इसके बारे में बताऊंगी। और देखिए ये है आलू। तो आलू जब इस तरह से हो जाता है ना, तो हम इसको इस तरह से टूटा के इसको अलग करके इसका रेसिपी करते हैं। लेकिन आप इसको बिना अलग करके भी आप इसको किस तरह से लगा सकते हो आलू के पौधे, और इसका उपयोग आप कर सकते हो बाद में, इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले से लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और मैं इजी सा प्रोसेस आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप पहले करोगे नहीं होगा तो फिर इसको बाद में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो तो फिर ट्राई करते हो ना, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और एक बार किया तो नहीं हुआ बोलकर इसको आप झूठ बोलकर नहीं समझना। ये मैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा प्रिक किया और उसके बाद दिखा रही हूँ। मैं सही बात बोला, मैंने सॉरी मैं ना सही बात आप लोगों को बोलती हूँ और ये झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने ये उगाया है और उसके बाद ही आपको मैं ये प्रोसेस आपको बताऊँगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इतने सारे मैंने उगाया है इस आलू से, इस तरह से मैंने किस तरह से करूँगी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, आलू को आप खाओगे और खाने के बाद भी इसको किस तरह से उगा सकते हो इसके बारे में मैं बताऊँगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मेरा बोलना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ कर देना। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। मैं पहले से लास्ट तक आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो को, प्रोसेस को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आलू आप जो आप लेके आते हो, इसके बाद ज़्यादा दिन रहता है तो इस तरह से निकल आता है। तो आपको इसको अलग नहीं करना है, आपको इसको लगा सकते हो और इसका उपयोग कर सकते हो। आपका ये खर्चा भी बच जाएगा, आप गमले पर ही इसको घर पे कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से उगाओगे, ये ना बहुत इजीली उग जाता है, आपको ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा पानी और पानी का ध्यान देना पड़ेगा, यानी पानी आप कब दोगे कब नहीं दोगे उसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से जब होता है तो आप इसको अलग कर लेते हो और उसके बाद आप इसको खाते हो ना रेसिपी में। तो देखिए इसको बिना अलग करके, यानी आपको इसका पेड़ को उगा के किस तरह से आप इसका उपयोग भी कर सकते हो इसके बारे में मैं बताऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिए, ये है देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पास में दिखाऊंगी। आप चाकू से भी इस तरह से कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको कट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, देखिए इतना थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पे जो होगा इसको भी इस तरह से थोड़ा सा आपको कट करना पड़ेगा, अलग करना है इस तरह से सबको। ये तो टूट गया, इसको नहीं अलग कर देना है, इसको ले जाना है। ये ना आप रेसिपी पे यूज कर सकते हो। देखिए इस तरह से कट करके आप जितना बच जाएगा इसको आप रेसिपी में यूज कर सकते हो। तो देखिए
ये भी सबको मैं निकाल लूँगी अभी। इस तरह से आप जब रेसिपी करोगे तभी आप इसका अलग करके आप लगा सकते हो। पहले से करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा ना, तो कटिंग करोगे पहले से और रख दोगे तो सूख जाएगा। इसलिए आप जब इसका रेसिपी तैयारी करोगे तभी, यानी इसका पहले से आपको इसको इस तरह से कट करके अलग करना पड़ेगा और उसके बाद आपको रेसिपी में इसको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सबको आपको कट करना पड़ेगा और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो रेसिपी में। तो देखिए मेरा हो गया है इतने सारे। देखिए अब जितना करना चाहते हो उतना कर लेना, एक गमला पे या पॉलीथीन पे या कहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। आपके पास गमले के लिए जगह नहीं होगा, यानी ज़्यादा आपका खर्चा होगा, तो आप लोग पॉलीथीन में भी इसको इसका उपयोग कर सकते हो, जिस तरह से मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से किसी डब्बे पे भी लगा सकते हो और इस तरह से किसी गमले पे भी आप यूज कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कोई पॉलीथीन में भी आप यूज कर सकते हो। और पॉलीथीन में ज़्यादा मिट्टी देना, इतना ऊंचाई तक मिट्टी देना है, क्योंकि आलू मिट्टी में होता है ना, इसलिए इसको ज़्यादा थोड़ा मिट्टी देना चाहिए। और इसको जो आप लगाओगे डायरेक्टली, देखिए इसको जब लगाओगे यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये इजीली हो जाता है ग्रो। तो देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा बरसात के दिन ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो देखिए आप इस तरह से, ये ना मेरा कंपोस्ट का मिट्टी है, इस तरह से कंपोस्ट का मिट्टी और नॉर्मल मिट्टी मिक्स करके आप लगा सकते हो। मैंने ये कंपोस्ट का मिट्टी से लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से लगा के इस तरह से ढक लेना है, इसको ऊपर रखना है, इस तरह से सबको आपको लगाना है। आपको थोड़ा थोड़ा गैप कर रख रख के जगह, यानी आपको यहाँ पे ज़्यादा जगह चाहिए ना, तो ये आलू ज़्यादा होता है, इसलिए आपको दूर दूर करके इसको लगाना है। इतना ही मैंने यहाँ पे लगा लिया और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए इस तरह से गमले पे भी मिट्टी में इस तरह से लगा सकते हो, इस तरह से थोड़ा सा अलग कर देना मिट्टी को और इस तरह से इसको मिट्टी में ढाक लेना और हल्के हल्के से पानी दे देना। ये मेरा मिट्टी थोड़ा सा हल्का हल्का गीला है, इसलिए मैंने पानी नहीं दे रही हूँ, आप पानी दे सकते हो लगाने के बाद। मैंने जुलाई के मंथ में लगा रही हूँ ना, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा मिट्टी थोड़ा सा गीली है, इसलिए मैंने देखिए ये मेरा मिट्टी गीला है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लगा रही हूँ। इस तरह से थोड़े से मिट्टी को अलग करना है और इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, ये लगाने के बाद 15 दिन का रिजल्ट देखिए कितना सा बड़ा हो गया है। अभी इसको मैं उखाड़ के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से, किस तरह से रूट्स इसका निकल आया है और ये पूरा पूरी तैयार हो चुका है अभी पौधा होने के लिए। तो देखिए किस तरह से अच्छे से हो गया है ये पौधा, इजीली हो जाता है ये सब, आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा कीले कीटाणु से बचाना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा इसको कोई भी काम नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप उगा सकते हो पौधे को। और उसके बाद फिर से मैंने इसको लगा रही हूँ, देखिए मिट्टी में इस तरह से फिर से लगा लूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा पानी देना है। आप जब भी लगाओगे पौधा तभी ना आपको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी देना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप, मिट्टी गीला होगा फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको उखाड़े थे ना, इसलिए पानी थोड़ा सा देना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वही ट्री को ही दिखा नहीं रही हूँ, अलग अलग ट्री को दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा पहले से लगाया हुआ, यानी मैंने पहले से कर चुकी हूँ इसको और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब
इतना बड़ा हो चुका है, ये है 30 दिन का रिजल्ट। देखिए इतना बड़ा सा हो गया है पेड़ मेरा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा आपको बाद में सार देना पड़ेगा या खुदाई खुसाई करना पड़ेगा, उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए ये है 35 डेज का रिजल्ट। आपको मैं जिस डे का बात बोल रही हूँ, डे के अनुसार आपका होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उतना दिन में इतना सा बड़ा हो जाता है, इसके बारे में मैं बताने के लिए आपको बोल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पौधा इतना बड़ा हो चुका है और आलू नीचे छोटा छोटा हो चुका होगा। मैं इसको नहीं खींचूँगी, नहीं तो ये मर जाएगा। थोड़ा सा इसको दिखाना चाहिए, लेकिन आपको दिखाऊंगी तो मेरा नुकसान होगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन इसका छोटा छोटा नीचे आलू हो चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं नया नया वीडियो लेके आती हूँ, हर तरीके के वीडियो मेरा चैनल में पा सकोगे। इसके बारे में आपका पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करना। अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।